एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स क्लास 7 के सेकेंड पार्ट में हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक तरीके का केमिकल चेंज होता है जिसमें एसिड्स और बेस आपस में मिल करके केमिकल चेंज करते हैं और उसमें न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है जो कि सॉल्ट और वाटर होता है। इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, इट इज़ अ केमिकल चेंज जिसमें दो नई चीज़ें बन रही हैं जो कि है सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कलर चेंज करता हुआ दिखाया जा रहा है। एसिड और इंडिकेटर जो है वो कलरलेस है, पर जैसे ही उसमें बेस मिलाया जा रहा है तो वो मजेंटा कलर, पिंक कलर का हो जाता है। तो यहाँ पे जब तक एसिड पाया जा रहा है तो इसमें कोई कलर चेंज नहीं है, पर जब उसमें बेस की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसमें पिंक कलर देखने को मिलता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स, जब भी एसिड्स और बेस के बीच में रिएक्शन होगा तो सॉल्ट्स बनते हैं। ये कुछ कलरफुल सॉल्ट्स आप देख सकते हैं। एवरी काइंड ऑफ सॉल्ट जो बनता है इट कैन नॉट बी टेकन इन, इंसान उनको या जानवर उनको खा नहीं सकते हैं। कुछ सॉल्ट्स जहरीले भी हो सकते हैं हमारे लिए। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का। जब ये एसिड और बेस आपस में मिक्स होते हैं तो केमिकल चेंज होता है जहाँ पे पानी H2O की फॉर्मेशन होती है, और इस पर्टिकुलर केस में सॉल्ट NaCl सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है। सॉल्ट्स को हम नाम से पहचान सकते हैं, कलर उनके अलग अलग होते हैं। वैसे भी हम देख के कोई चीज़ नहीं पहचान सकते हैं, पर नाम के आधार पे जो सॉल्ट्स होते हैं जैसे कि कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि बेकिंग पाउडर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मार्बल होता है, पोटेशियम नाइट्रेट, इसमें आप नाम देखो क्लोराइड सल्फेट क्लोराइड और नाइट्रेट कार्बोनेट, ये जो नाम आपको दिख रहे हैं ये पहचान है सॉल्ट्स की। वापस एक चीज़ जो ध्यान देने लायक है कि हर दिखने वाला जो सॉल्ट है, जो नाम से सॉल्ट है, वो खाने लायक नहीं होता है। इसमें से जो कॉमन सॉल्ट है इसमें एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम क्लोराइड ही हमारा वो टेबल सॉल्ट है जो हम खाना पकाने के काम में लाते हैं। न्यूट्रलाइजेशन हमारे रोज़मर्रा की लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। फर्स्ट इसका इनडाइजेशन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हम लोग जब तला भुना ज़्यादा खा लेते हैं तो एसिडिटी होती है, और उस एसिडिटी को ठीक करने के लिए पेट में गैस बनती है। उस पेट में बन रही गैस को ठीक करने के लिए हमें दवा की आवश्यकता है। पेट में जैसे कि आपको पता है डाइजेशन प्रोसेस में एक एसिड बनता है, हमारा पेट बनाता है, पेट की दीवारें बनाती हैं, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाने की वजह से हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम या पेट में जलन मचने की प्रॉब्लम होती है। तो उसको ठीक कैसे करें? बेस पी जाएँ। तो बेस कौन सा पिए जाएँ? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये वो दवाई है जो हम लेते हैं पेप्रिस के रूप में, एंटासिड टैबलेट के रूप में, डाइजीन के रूप में, इनो के रूप में, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है और वो हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि पेट में है उसके साथ मिक्स होकर के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में ख़त्म हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसने रिएक्ट कर दिया तो वो ख़त्म हो गया, अब सॉल्ट और वाटर बन गया, तो हमारी पेट की जलन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। एंट बाइट में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, हमने शुरुआत में भी बात करी थी। जब कोई चींटी काटती है तो उसमें एसिड हमारी स्किन में छोड़ा होता है, तो वो एंट बाइट फॉर्मिक एसिड की वजह से हमारी स्किन में जलन मचाती है। अब इसको न्यूट्रलाइज कैसे करें? इसमें बेस मिलाने की आवश्यकता है, तो हम बेकिंग सोडा ले सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट ले सकते हैं, या कैलामाइन लोशन ले सकते हैं जिसमें जिंक कार्बोनेट पाया जाता है। उससे हम लगाने पे ठंडक मिलेगी हमारी स्किन को, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने के कारण फॉर्मिक एसिड का असर कम हो जाएगा और हमें राहत मिल जाएगी। सॉइल
जो हमारी मिट्टी है किसानों के लिए ये जीवनदायिनी है, तो उसमें लगातार केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते करते वो ज़्यादातर एसिडिक हो जाती हैं या बेसिक हो जाती हैं। तो एसिडिक सॉइल को बेस की ज़रूरत है और बेसिक सॉइल को एसिड्स की ज़रूरत है, ताकि वो जो मिट्टी है वो वापस न्यूट्रल कंडीशन में आ जाए और हर तरीके की प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट कर सकें। तो एसिडिक सॉइल में हम क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्लेट लाइम होता है, उनको इस्तेमाल में लाएंगे। जो सॉइल बेसिक हो जाती है उसमें हमें खाद मिलाने की आवश्यकता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब खाद, खाद मिलाने की आवश्यकता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब उस तरह की मिट्टी में खाद के साथ ग्रो करते हैं तो अपने आप ही वो एसिड्स रिलीज करेंगे और बेस के साथ मिक्स होकर के सॉइल को वापस न्यूट्रल बनाने का काम कर देती है। फैक्ट्री वेस्ट, ये जो हमारी फैक्ट्री से ढेर सारा कचरा निकलता है, केमिकल सब्सटेंसेस निकलते हैं, वो ज़्यादातर एसिडिक होते हैं। अब इन एसिड्स को ख़त्म करने के लिए हमें बेसिस की आवश्यकता है। यही सारा एसिड जो है वो नदियों में पहुँचता है और नदियों में पहुंच करके हमारी जो जलीय जीव है, जो एक्वेटिक लाइफ है, उसको नुकसान पहुंचाएगा। पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो मरने लगेंगे। तो फैक्ट्रीज में क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए और जो एसिडिक वाटर फैक्ट्रीज से निकल रहा है उसको बेसिस के साथ साफ करके न्यूट्रलाइज करके हमें फिर नदियों में बहाना चाहिए, ताकि वो एक्वेटिक लाइफ को जाकर के नुकसान ना पहुंचा पाए। तो लगभग हमारा चैप्टर ये खत्म हो चुका है। एक बार शॉर्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं, हमने इसमें क्या पढ़ा। हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा जो कि खट्टे होते हैं, हमने बेसिस के बारे में पढ़ा जो कि कड़वे होते हैं और दे आर सोपी टू टच, साबुन जैसे होते हैं। एसिड्स जो हैं वो लिटमस टेस्ट में ब्लू टू रेड चेंज देंगे, बेसिस जो हैं वो रेड टू ब्लू लिटमस टेस्ट देते हैं। जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं वो उसमें ना एसिडिक टेस्ट आएगा ना बेसिक टेस्ट आएगा, क्योंकि वो न्यूट्रल है, उसमें बराबर मात्रा में एसिडिक और बेसिक के गुण पाए जाते हैं। जिन चीज़ों को यूज़ करके हम एसिड्स और बेस की पहचान करेंगे उन चीज़ों को हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। जब एसिड्स और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। ये एक प्रकार का केमिकल चेंज है जिसमें सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। सॉल्ट हमारे तीनों प्रकार के हो सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा न्यूट्रल सॉल्ट नहीं बनता है, कभी एसिडिक सॉल्ट या कभी बेसिक सॉल्ट की फॉर्मेशन भी हो सकती है। खत्म करेंगे माइंड मैपिंग पे। ये एक आप कॉमन सा एक माइंड मैप जो मैंने गूगल से दिया है उसमें आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर का एक जिस्ट दिया हुआ है। अब मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे यही है कि आप खुद माइंड मैप बनाएं और मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।